पटियाला नेड़े पिंड विच छापा मारन गई पुलिस टीम अते पिंड वासियां विचाले झड़प। पिंड दे एक नौजवान अते एक हवलदार नू लगी गोली। पटियाला नेड़े पिंड जगतपुरा विखे नाजायज़ शराब कढ़े जाने की कार्रवाई ते रोक लगाउण लई छापेमारी करन आई पुलिस पार्टी अते पिंड वासियां विच झड़प होण तों बाद आमो सामने गोलियां चलण दा समाचार है। इस दौरान पिंड दे एक नौजवान गुरप्रीत सिंह पुलिस दे एक हवलदार राजा राम नूं भी गोली लगण की खबर है। झड़प दौरान पुलिस दे कुछ वाहनों की भन तोड़ भी हुई है अते पुलिस अनुसार अजिहा पिंड वालिया वल्लों कीता गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पहला रात करीब 11:30 बजे कुछ पुलिस मुलाजम पिंड दे एक वसनीक हरभजन सिंह दे घर विच कंधा टप के दाखिल होए सन। दोष है कि इस दौरान पुलिस मुलाजमों वल्लों परिवारिक मैंबरां नाल माड़ा व्यवहार किया गया। परिवार अते आस पास के लोगों वल्लों विरोध करन ते उस वक्त पुलिस मुलाजम मौके तो चले गए। यह घटना घर विच लगे CCTV कैमरे विच भी कैद हुई है। मौके ते पहुंचे पुलिस दे DSP ने दस्या पिंड जगतपुरा पैंदा। इस पिंड दे विच हरभजन सिंह नाम का व्यक्ति हैगा। यह शराब का जिहड़ा समगलर है ते इहदे ते पंजाब दे कई थाणियां दे विच शराब दे भी परचे आ। 392 लुट्टां खोहां दे भी परचे हैगे ने, आर्म ट्रक दे भी परचे ने। कल साढ़े CA स्टाफ दी पुलिस नूं इनफॉर्मेशन मिली सी भी ये बाहरों शराब लैके आ रहा, तो उस संबंध विच इहदे रेड कीती सी। तो जदों पुलिस पार्टी रेड गई कीती तां ये सारे परिवारक मैंबर ने रौला पा लिया। रौला पा के पिंड इकट्ठा करके साड़ी पुलिस जी सी उन्होंने मगर पै गई। तो उस टाइम साड़ी पुलिस पार्टी ने कोई ना कुछ करते हुए थाने सनौर दे विच जाके इन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता। वो मुकदमे के अज सवेरे असी साड़ी CA की टीम जी रेड कर गई सी इन्हों गिरफ़्तार करने वास्ते। तो जो गिरफ़्तार करके अपनी गड्डिया बिठा के इन्हों लैके आने लगे तो फिर इन्होंने परिवार के सारे मैंबर ने पिंड वाले ने CA की जिहड़ियां गड्डियां सी उन्होंने घेर के गड्डिया के शीशे भनते साडे जिहड़े मुलाजमां दे सट्टां मारियां। सट्टां मार के उन्होंने भी फटर करता। तो जिहड़े CA साडी पार्टी के उत्ते पीपल्स पार्टी के इन्होंने हमला करता। उहदे विच इन्हां दे परिवारक क्योंकि इन्हां दे पहला भी मुकदमे दर्ज ने आर्म्स एक्ट के, इन्हां दे परिवार के विचों किसी ने उत्थे फायर फूयर भी हवा च करते। जिहड़े हजे पीपल्स पार्टी जिहड़ी है जिहड़े फटड़ होए मुलाजम ने सिविल हॉस्पिटल के जिंदरा दाखिल ने, उत्थे साडी जिहड़ी उन्होंने बयान लिखे इन्हां दे खिलाफ़ असीं एक होर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करा। क्यों जी गल पता लगी है वो तो यही है भी इन्होंने आप ही गोलियां चलाईया ने, आप ही इन्होंने अपने बंदे दे गोली मार ली है। क्योंकि इन्हों का जिहड़ा रिकॉर्ड है पिछला उसनों देखते हुए इन्हों के खिलाफ़ ये एक जो हरभजन सिंह है ये दो लड़के ने इन तिना के खिलाफ़ पंजाब के थाणियों के कई थाणियों के 15 मुकदमे दर्ज ने लुट्टा खोहां के आर्म्स एक्ट के। क्योंकि ये शैतान बंदे ने समगलर ने ये आप भी ये कुछ कर सकते नहीं। वो असी तो हम पड़ताल करा देखते पे तफ्तीश करते पे की हो सारा असी देख रहे हैं भी की होया तफ्तीश कर रहे हैं। पिंड के वसनीक गुरतेज सिंह ने दसिया मैं उठा सवेरे 8:30 बजे तो मैं थोड़ा रौला सुनया तो मैं घरों निकल के आया बाहर। तो इतने काफ़ी रौला पैंता सी बच्चा आदि चीकां दियाँ डांगा डूंगा इतने पता नहीं कुछ अंदर गाला कटते सुखी उची मुलाजम से पता नहीं कौन सी सिविल सके किसी ने वर्दी नहीं गुरप्रीत सुनने चाहिए भी तो दारू दूर निकलती रेड पाई नहीं नहीं कोई इदा नहीं। असं देखो इतने है असं रात भी कुछ इन्हों के आया उदो भी पिंड के बंदे कट्ठे हुए असं आख्या भी तुम अंदर तलाश लिया सकते हो साढ़े नाल चलो साढ़े बंदे लैके जाने तो यह उस गलते भी नहीं आए। रात चले गए फिर सवेरे मॉर्निंग आए हैं पिंड के बहुत बार बंदे इतने साढ़े नाल से असं इन्हों को कहा इतने आने तो पहले सानू भी गाला कटते दसो असं हूँ मैं एक साइड पर रहना हाँ तो तुम सानू क्यों गाला कटते हो। फिर उस चक्कर के इतने मुंडे असं इकट्ठे असं आए हैं जो इन्हों काफ़ी इन्हों हथो पाई होंगे से असं आख्या भी सुनने से गल है पुलिस का कहना कि जो एंट्री करिए गोली फायर हो नहीं 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 इधर देखो इदा की गल मौजूदा सरपंच ने अटैक कराया। पहली गल तो यह है जी देखो इन्होंने घर 6 मिला तो CCTV लगे हुए हैं ये DVR वगैरह कुछ कहते इतों इन्हों के घर लगे चेक कर सकते हो मेरे ख्याल है नहीं इन्होंने ज्यादा कुछ है ना। जो गोली जो बेचारे सुते पे आने फड़िया तो गोली कितों चकड़ी तुम्हें लगता
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲੋਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਢਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਪਈ ਨੀਅਰ ਫੰਡਵਾਲ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਏ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਪੀ ਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਦਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 11:30 ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਆਏ 11:30 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਆਪਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਗੇਟ ਤੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾਇਆ
जबरदस्ती गड्डी गड्डी पाया जो फिर असी रौला पाया साढ़े पिंड के बंदे असी दो चार जने साढ़े नाल होर कट्ठे हुए उन्होंने कहा भी कोई गल नहीं असी पंचायत मैंबर हाँ सरपंच हाँ भी जिदा तुसीं कहोगे असी आण के सवेरे मिल लाँगे भी कोई गल नहीं। इन्होंने सानू गाली गलोच भी दिती साढ़े हत्थे पाई भी पैन तकर गया ये इन्होंने भी जो अपनी सी इन्होंने अपनी तसली की क्योंकि इन्हों की दारू पीती हुई सी इन्होंने कोई पता नहीं है। फिर मैं उन्होंने कहा जोड़ा वो सी ए स्टाफ का वो सी एक मालविंदर एक चीमा एक गुरशरन इन्होंने वो कहें भी असी तो दीदी सिर्फ सानू कुछ नहीं गा सिर्फ साढ़े बंद गल करनी है लेडीज़ ने साडा कोई मतलब नहीं है गा। मैं कहा भाजी इस टाइम असं अपने बंदे नहीं जान देंगे असं सवेरे मिलेंगे हूँ इस टाइम साडा कोई काम नहीं ढा है। चलो साढ़े पिंड के बंदे असं सारे सरपंच भी आया चल असी किया सारे ने यह साढ़े चल बंदे छड़ गए चले गए जो असं इन्होंने खिचोतुई बथेरी की जो असी 104 नंबर पर फोन किया उन्होंने कहा भी सर एस एस पी दे पेश हो जाओ यह चल जी इस गल डरते ही चले गए इन्होंने ये इन्होंने उपर फोन कर दिता आ भी हूँ नहीं असं भी लिजा सकते भी चल ये चले गए इन्होंने जाके सानू नहीं पता भी की रात नौबत बनाई आ की इन्होंने किया अपने को नहीं किया गा सानू इस गल का भी इन्होंने जो भी झूठे परचे बनाए की नहीं किया सानू कोई साढ़े को वेखो एक बंदा आ घर आ किसी को पता हों अगे भी हाँ बंदा आ रहा मैं इनू आह चीज़ करनी जा नहीं करनी इन्हों को अपने को जो भी कुछ हैगा साढ़े कोई चीज़ नहीं असी ना असी इन्होंने कोई कुछ किया ना कुछ किया असी प्यार ही पुछते रहे हर गल। चलो जी रात ये चले गए इन्होंने सू धमकिया दे के गया कहते जो तुम एस एस बी को सीरे पेश हो फिर वेखो ता हाल की करते हैं ये गल सुनू किसी ये जेडे वे मैनू ना का नहीं हूँ मैनू पता गा भी वो कैप पाई हुई सी सी ए का बंदा सी जिन्होंने कही जो कहता सी मैं साहब पता नहीं कौन मैनू नहीं पता गा भी कौन सगा जेडे नाल मुंडे सारे कहें भी साहब है साडा। अच्छा वो चलो जी गाली गलोच करके वह चले गए मुड़ के असी रात को साढ़े मन च कोई नहीं यहो जहा भी चल कोई गल नहीं गए या कोई गल नहीं उन्होंने सवेरे सानू कहा साल असी सवेरे जाके चल मिल लाँगे है ना जिते भी कहें साढ़े कहड़ा मन च कोई पाप से जो कि इन्हों असी पहला किसी गल की कोई गलबात नहीं हुई इन्होंने ये साढ़े को मंगते सी पैसे साढ़े को पैसे बने नहीं असी दे नहीं सकते गे इस करके इन्होंने सानू धमकिया देनिया शुरू करतिया साढ़े घर आके इन्होंने करना शुरू करता सानू तंग जिहड़े मालविंदर सिंह चीमा आ जिहड़ा गुरशरन आ ये सी साढ़े को महीना लेंदे ठीक है। फिर मुड़ के इन्होंने रात सानू किसी गल की कोई नहीं सी हैगी असी कहा भी चल कोई गल नहीं सवेरे पंचायत खड़ांगे सरपंच खड़ांगे जिथे कहणगे उत्थे असी अपनी गलबात कर लेंगे पैगी। फिर इन्होंने सवेरे ये आए ने 7:15 बजे ये आ गए ने सवेरे साढ़े सारे जी परिवार असं सुते पे सके मैं उठी सी मेरी जठाणी उठी सी धारा कढ़न डे सी असं मेरी जठाणी धारा कढ़दी सी उत्थे मेरे चाचा जी सके वो पट्ठे पाते सके इन्होंने आंदे ही वो डांगा मारनिया शुरू कर दी वह सिर पाड़ता सिर पाड़ के इन्होंने अपनी गड्डी सुट लिया उन्होंने। अच्छा असी जो वेख्या तुम पता बंदा इंसान हर कोई डर जाता असी फटाफट आ के दीदी ने अपनी कुंडी ला ली इधर वे बच्चे से मैं जाके उधर अपनी कुंडी ला ली इन्होंने किया जाके साडा दरवाजा तोड़ता दरवाजा तोड़ता दरवाजा तोड़ के जिन्हें भी जाने से ये सारे इन्होंने कोई नहीं वेख्या न्याणा अगे आ बच्चा आ जा जनानी आ जा कोई भी आना को जो डांग सुटे से इन्होंने सारे बराने शुरू करते असी रौला पाया बथेरा बथेरा अगों असी कहा भी भाजी तुम बह के गल करो सानू गल दसो की आ तुम रात भी आए हो रात भी इन्ना हंगामा कर गए हो हूँ भी आ गए हो दसो तुम असी क्या की है एक बंदे नू पता हुंदा नहीं पता होए मेरी आ गलती जां मैं आ कीता ए जां साडे कुछ फड़िया जां असी चोर सी जां कोई गलबात सानू दस दे सही साडे सरपंच नू मिल दे कोई किसे नाल बह के गल कर दे ये तरीका थोड़ी आ भी आ के डांगा लै लो लैके आण के अगले दे घर पै जो सवेरे 7 गड्डियां सी दीदी वेखो गिणती तो साढ़े कोई हो ही नहीं क्योंकि गिणती असी नहीं कर सके इन्हों को रफलां भी सगिया पिस्तौल भी सी जो इन्होंने फिर साढ़े बंदे साढ़े धक्के इन्होंने खिच खिच के अपन गड्डिया वाड़ लै वेखो जो असी तो अपनी कोशिश करनी सी असी तो अपने बंद बचाते साढ़े कुछ नहीं सी इन्होंने गुरप्रीत नाँ का मुंडा से जो इन्होंने अगों गोलियां चला शुरू कर दतिया गुरप्रीत नाँ का मुंडा से पट च गोली बजी साडा भतीजा है मेरे चाचा जी का बेटा आ जोड़ा मेरे चाचा जी से उन्होंने ना सिर पाड़ता दीदी मेरी ननान वो डांगा मजिया जीडिया वो सारे निशान पे हुए हैं जठाणी मेरी दी इन्होंने इतने मार के बड़ा तोड़ दिता साढ़े कोई ज चीज़ बरामद हुई है जो कुछ मिलिया तो सानू कह ना भी तेजे को आ चीज़ मिली सारा पिंड आ मैंबर आ सरपंच सारा पिंड आ जो साढ़े कोल कश नहीं गा असी कोई ज चोर हाँ तुम तो सानू आण के एवें पवो इदा पैन का कोई हक नहीं है गा दरवाजे के शीशे तोड़ गए ने देखो दरवाजे तोड़ गए ने की हाल कर गए ने घर का ये कोई तरीका थोड़ी है ये लोगों ने घर जाके इदा ही वर जाते हैं उन जो करोना वा कानून बड़े ने हूँ इन्हों का कानून कितने गए ने हूँ नहीं इन्होंने करोना होया हूँ इन्ने बंदे आण के सानू पै गए हूँ करोना कितने गया उदा ने कहते दो बंदे किसी बंदे ना खलोवो ना हूँ 20-25 जने आके पै गए डांगा लैके असी परिवार से सारा हूँ करोना कितने गया हूँ सरकार कोई करोने का डर नहीं गा
इस चीज का दीदी अच्छे बस यो हाथ जोड़ के कहने सरकार अगर अपील करते हैं सानू इंसाफ चाहिए नजायज साडे बंदियां तंग करते हैं। इस पूरे मामले विच पुलिस की कारगुजारी ते भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके नाल इस पूरी कार्रवाई नू अंजाम दिता गया है उस नाल पिंड विच सहम दा माहौल है। पिंड वासियां वल्लों यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस वल्लों उन्हां नू अपनी जुबान बंद रखने की हदायत की गई है। ज़्यादातर पिंड वासी इस बारे कुछ भी कहने लई तैयार नहीं हैं, जिस नाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिंड वासी किस कदर दहशत विच हैं। पटियाला तो स्काई हाक टाइम्स लई बिंदु शर्मा की रिपोर्ट।